ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल जी राम राम। उचैना मंडी में फिलहाल खड़े हैं और आज जो खटखट टोल प्लाजा का धरना था उचैना मंडी में लाया गया, यानी जोड़े मजदूर आड़ती भाई सारे किसान कर्मचारी सारे इकट्ठा होगा आज का धरना जो चला रहे। 12 से 3 का धरना चलना था, अपने साथ दो किसान साथी खड़े हैं नवनीत और शमशेर। नवनीत पिलानिया, शमशेर पिलानिया गांव खोखरी, निर्जन खोखरी जिसने बोलना जिला जींद में, ये दोनों 32 दिन थी हाड़ जेल में रह के आए। यानी 26 जनवरी ने जो पूरा सिस्टम हुआ था आपने देखा भी होगा, याद भी होगा, 32 दिन की तिहाड़ जेल का अटका है और किसानों के बीच में पहुंचे हैं। और टोल प्लाजा पर जो किसान अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी गणमान्य जो एक दो किसान हैं जो स्टेट सेक्रेटरी का लो, प्रदेश अध्यक्ष का लो, कुछ अध्यक्ष हैं, उनने ये सम्मानित भी करे हैं। और पूरी कौन सी खाप दड़न खाप माजरा खाप की प्रधान तक माजरा खाप की तरफ तय किसान रतन इनता देख है, यानी इनका नाम का गात किसान रतन शमशेर पिलानिया और दूसरा नवनीत पिलानिया उन तो ये सम्मानित करेंगे। तो इन तक पूछांगे 2-4 मिनट भाई क्यों ये जेल में गए, किस चीज़ के मतलब इनके ऊपर आरोप लगाया गया। तो सबसे पहले अपना राम राम करो जी दोनों। राम राम जी सभी को। अच्छा तो किस टाइम मतलब किस दिन आप जेल में गए और किस आरोप में आपको अंदर कराया गया? 26 तारीख को जो ट्रैक्टर किसान परेड थी ट्रैक्टर की, उसमें हमने हिस्सा लिया हुआ था और वहाँ हम सीधे चले थे सरकार का क्या पॉलिसी थी भाई किसान आंदोलन ख़त्म करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस जो रूट हमें दिया था उस रूट की बजाय बैरिकेड उस रूट पे तो बैरिकेड लगा दिए और हम जब जा रहे थे हमें दूसरे रूट पे डिवाइड कर दिया गया। हम चल रहे थे आगे जाने के बाद पुलिस प्रशासन इतना था हमें शाम को 4 बजे उन्होंने गिरफ्तार किया। उसी जगह से आपको गिरफ्तार किया? हमें पीरागढ़ी से गिरफ्तार किया। तो जिस टाइम आपको उठाया गया आपने ये नहीं पूछा भाई कसूर के है? हमने सारा पूछा भाई हमारा कसूर बताओ, वो बोले कुछ नहीं आपको 2 मिनट के बाद छोड़ देंगे। अच्छा भाई पीछे नांगलोई में दंगा हो गया उसके कारण हमें आपको 2 मिनट के बाद आपका नाम लिख के और हम आपको 15-20 मिनट के बाद छोड़ देंगे। तो आपको गाड़ी में बिठा के लेके गए? हाँ हमें गाड़ी में बिठा के मंगोलपुरी थाने में लेके। अच्छा पीरागढ़ी से। फिर उधर जाने के बाद आपने कहा नहीं भाई 2 मिनट तो हो गए? हमने ये कहा भाई आप छोड़ दो, वो बोले वो कहते रहे SHO साहब आ जाएंगे 8 बजे, हम आपको 8 बजे छोड़ देंगे, आप चाहे पानी पियो कोई दिक्कत नहीं आपको किसी प्रकार की। अच्छा। हमने सोचा भाई कोई बात नहीं दंगा हो गया होगा तो वो बाद में हमें छोड़ देंगे। तो SHO साहब के आने के बाद भी हमने SHO साहब से बात करी, उन्होंने हमें मना कर दिया, बोले अभी नहीं अभी दंगा शांत नहीं हुआ है और हम आपको 11-12 बजे छोड़ देंगे। हमें वहाँ से वो बोले अब आपको खाना खिला लेते हैं, वहाँ से हमें दूसरे थाने में ले गए वो सुल्तानपुरी। उसके बाद सुल्तानपुरी ले जाने के बाद तब भी वो यही कहते रहे आप रोटी खा लो आपको छोड़ देंगे, मगर पूरी रात होगी अगले दिन सुबह होगी वो बोले अभी दोपहर शाम दोपहर तक SHO साहब आ जाएंगे 11 बजे आपको तब भी छोड़ देंगे, मगर उन्होंने ना तो कुछ उस टाइम पे हमें कोई चाय पानी कुछ नहीं किया, रात को हमें बाहर सहला दिया कोई कंबल नहीं दिए, फिर भी हमने सोचा भाई कोई बात नहीं छोड़ देंगे कोई, वो बोले कोई कसूर नहीं है तुम्हारा तो हमें छोड़ दें। फिर उन्होंने क्या किया 11 बजे एक टाटा मंगाई बड़ी 400 साथ, उसमें हम सारे जितने भाई पकड़े थे सरदार थे हमारे पंजाब से उनको इकट्ठा किया और हमें फिर नांगलोई थाने ले गए। वहाँ हमारे से कोरे कागजों पर साइन कराए और डराया धमकाया और ये कहा भाई अब पता चलेगा तुम्हारे घर वालों को आंदोलन कैसे होते हैं। अच्छा तो भाई हमने कहा भाई कोई बात नहीं जी आंदोलन तो अपने हक की लड़ाई तो कोई भी लड़ सकता है इसमें कोई ये थोड़ा भाई। कोरे कागज पर जिस टाइम साइन कराया गया आपने पूछा नहीं भाई कोरे पर क्यों करवाओ? हमें पूछा फिर वो हमें डराने लगे भाई ऐसे कर दें, फिर हमने सोचा भाई पिटाई से तो अच्छा अपने साइन ही कर दें। अच्छा तो हमने वो 4-5 कोरे कागजों पर साइन कराए और हमने अपना फिर वो हमारे को मेडिकल के लिए ले गए। उसके बाद रात को ही उन्होंने 1 बजे जज के पास पेश कराया घर पे। अच्छा जी रात को 1 बजे कौन सी जगह दिल्ली में? 26 सेक्टर है कोई जो जहाँ रेडिडेंस होते ही नहीं गए जजों के, तो रात को तो हमें पता नहीं का हम दिल्ली को जानते नहीं थे। वहाँ से ले जाने के बाद फिर हमको रात को 2:30 बजे तिहाड़ जेल ले गए। तो जज ने मतलब जो फैसला वो घर पे दे दिया था। अच्छा तो उन्होंने के पूछा आप जज साहब ने आपने नहीं पूछा कुछ? कोई पूछा नहीं उन्होंने, बस एक बार मेरे साथ जो रिठाड़ा गांव के थे उन्होंने पूछा था भाई हमारी तो सर गाड़ी थी तो हम गाड़ी से तो बैरिकेड नहीं तोड़ सकते आप हमारी फुटेज चेक कर लो। जज बोले भले हम तुम्हारे पास सरकारी वकील आ जाएगा सुबह और उसके बाद आप उनसे बात कर लेना अब तो आप जाओ। तो इतनी बात दिन की सजा सुनाई गई आपको उस टाइम? वो तो
तारीख होती है 14 दिन की न्यायिक हिरासत होती है, उसमें तारीख पे चलती है। तो उस दिन जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत थी उसके बाद हमारी कोर्ट में वही था जेल से ही तारीख लगती थी। और उसके बाद किस तरीके का बर्ताव आपके साथ जेल में कराया गया? नहीं, वहाँ हमारे साथ ठीक, हमारे को भाई किसान के लिए आए हैं तो सुप्रिटेंडेंट थे जो हमारे जेल के, बस ठीक व्यवहार किया हमें, किसी ने कोई भी मतलब कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। तो आप जेल से छूटे कब? मैं 2 तारीख को छूटा था। 2 तारीख को जैसे आप जेल से छूटे और आप अंदर गए भी हो तो परिवार की कोई आपके पास सूचना थी भाई क्या हालात है, क्या चीज है, गाँव की क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, गाँव वाला सारा गाँव हमारे साथ था, सारा गांव ही क्यों, हमारे 14 के 14 गांव हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने कह दिया था भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, हम सब आपके साथ हैं और अपने साथ आप अपना हौसले से रहना। और जब देखो जब बंदा बाहर आता है किसी बार कितने दिनों के बाद तो हौसला तो होता ही है। और फिर मेरे गांव वाले मेरे बुजुर्ग वहाँ मेरे को मिले जेल के बाहर ही, मेरा पूरा मान सम्मान इन्होंने किया और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गाँव ने मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रखा, हम दोनों भाई इकट्ठे ही। इतने दिन आप अंदर रहे, बाहर आने के बाद आपने निष्कर्ष के निकाला, निचोड़ के निकलिया कि भाई जब आप अपने आप में कह रहे हो कि आपका कसूर नहीं था उसके बावजूद आप जेल में गए, तो निचोड़ के काटे आपने बेकसूरों को पकड़ना था, आंदोलन खत्म करने के लिए इन्होंने ये साजिश रची थी किसान सरकार ने, सरकार इसमें विफल हुई, हम इसमें कामयाब हों। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आप क्या कहना चाहोगे जेल तो जिस टाइम बाहर आए तो आपने के निचोड़ काटा भाई, किस तरीके की प्रतिक्रिया, क्यों मतलब जेल में रखा गया? जेल में से रखे गए जी, हम एक किसान आंदोलन के उसमें फंस गए थे। तो फिर हम 2 तारीख को हमारी रिहाई होगी, वो जमानत होगी। हमने ये सोच लिया कि अगर हमारी आगे जरूरत पड़ेगी नहीं हम आने के लिए तैयार हैं जेल में। जिस टाइम आप बाहर आए तो परिवार वाले का क्या कहना था, आपके बाल बच्चे भी? नहीं, हमारे 14 गाँव बैठे थे, उनको बोले अगर तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे बच्चों सब हम संभाल रहे हैं। अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर, कोई अपील सरकार को? मैं तो सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये गूंगी बहरी सरकार अब किसानों की सूद ले ले, नहीं तो अन्यथा इसको बहुत ही ज़्यादा अर्जाना भुगतना पड़ेगा। किसान मानने वाले नहीं है, अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और ये एक बार तो कहते हैं भाई ये बहका रहे हैं, इनको कांग्रेसी बहका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी इतने अभी सभी को पता। और मैं मेरे नौजवान भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथ दें, और कोई ये बड़ी बात नहीं है केस लग जाते हैं, डर जाते हैं, जेल चले जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाइयों। अपनी अक्की लड़ाई तो लड़नी नहीं और सुचारू रखेंगे तब तक जरूरत पड़ेगी जब तक हम भाइयों के साथ हैं और आगे से इनके आगे खड़े हैं भाइयों के, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो भाई आपने बात करी है नवनीत पिलानिया, शमशेर पिलानिया, गाँव खोखरी जींद में, इन दोनों का आपने बात करी जो 32 दिन की जेल जो है काट के आए हैं। इनका कहना ये था कि हम निर्दोष थे, कोई दोष नहीं था, उसके बावजूद सरकार ने अंदर डाला 1 घंटा 2 घंटा का कह के, मतलब दूसरे तीसरे दिन रात ने 1 बजे जज का श्यामी पेश कराया गया, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत जेल में भेज दिया गया। इन बातों में आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दियो, अपनी सोच अपने विचार आप जरूर दे दियो। आपने अगर इनकी बात सही लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।